बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और यूट्यूब मेंबर्स। आज मैं आप लोगों को घर में होम मेड मोज़रेला चीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये वाइट विनेगर लिया है। इसको ये 5 चम्मच विनेगर मैंने इस कप में डाल लिया है। इधर ही साइड पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और उसमें 2 चम्मच नमक डाला है। ये हम ले रहे हैं मोज़रेला चीज़ के लिए 2 किलो दूध है। इसको हमने बॉयल नहीं किया है, ये फुल फैट अनबॉयल्ड मिल्क है। इसको अब हम चूल्हा लगा के इतना गर्म करेंगे कि हमारी फिंगर जो है इसकी हीट बर्दाश्त कर सके। ये हमने नॉर्मल फ्लेम ऑन की है। अब हम दूध को साथ साथ चेक करते रहेंगे कि ये दूध इतना गर्म हो कि आपकी फिंगर टिप पे इसकी जलन महसूस हो। इसको बॉयल नहीं करना है। अगर दूध बॉयल हो गया तो इसके ऊपर बालाई जम जाएगी और बालाई वाले दूध से फिर मोज़रेला चीज़ नहीं बनती, वो फिर आपका पनीर बन जाता है। चम्मच चलाते जाएंगे। सारा सिरका एक साथ नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ बहुत बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, अब ऐसा ऐसा इसमें चीज बननी शुरू हो रही है। ये देखिए, ये आपको फील हो रहा होगा कि इसमें पानी अलग और चीज अलग होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये आपको फील हो रहा होगा। अब हम इसको स्टेनर से निकाल के इसको इस पानी में मिक्स करेंगे, नमक वाला जो हमने पानी बनाया था। सारी चीज निकाल के देखने से हमने इसको इस नमक वाले पानी में मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, ये खाली दूध का पानी बच गया, इसमें से हमने सारी चीज निकाल के इस स्ट्रेनर में डाल ली है। अब इसको ऐसे ऐसे आपने पानी में हल्का हल्का इसको दबाना है ताकि इसमें से नमक पानी में सिरके का सारा टेस्ट निकल जाए। नमक वाला पानी हम इसलिए ऐड करते हैं कि इसमें से चीज़ में से सारा सिरके का टेस्ट निकल जाएगा। अब इसको किसी जाली वाले कपड़े में डाल के अच्छी तरीके से इसका हाथों को दबा दबा के इसका पानी निकालना है। जब तक ये देखें, सारा पानी निकाल लिया है। अब ये हमारी चीज तैयार होगी। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे फ्रीज होने के लिए। फिर ये सख्त हो जाएगी, फिर इसको